बंगाल का। और हम लोग बालटाल पे अपनी यात्रा पूर्ण करने के बाद रात में वहीं पर अपना स्टे करने के बाद सुबह 3 बजे निकल चुके थे कॉनवाई के साथ। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। कटरा में हम सभी ने अपना होटल ले लिया है और अब यहाँ से हम लोगों की आगे की यात्रा शुरू होगी। अभी सभी बच्चे थके हुए हैं, सबसे पहले नहाएंगे, रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद हमारी यात्रा आगे कैसी रहेगी, कहाँ से कब शुरू होगी, ये सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल हमारा बहुत छोटा सा सिंपल सा हमने अपना रूम लिया है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसा हमारा है। हमारा छोटा सा रूम और इस रूम में एक अटैच बेड भी है। यहाँ पर कोई और हो तो सो सकता है, बट मेरे साथ यहाँ पर कोमल स्टे कर रही है तो हम दोनों इसी रूम में रुकने वाले हैं। तो हम दोनों एक बेड पे भी सो सकते हैं या दोनों में से कोई एक यहाँ भी सो सकता है। तो ये एक छोटा सा बहुत सिंपल सा हमारा रूम है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे बेड का छोटा सा लुक है और मैं अच्छे से इसलिए दिखा पा रही हूँ क्योंकि बाबूजी मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह जो है वो लेके नहीं आ सकी हूँ और जिससे मैं वीडियो बना रही थी वो बैग वैग में पड़ा हुआ और अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठा के निकालूँ, तो मैं ऐसे ही सिंपल आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा होटल लिया है हम लोगों ने क्योंकि सभी बच्चे एक साथ हैं, सभी बच्चों के बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये बहुत ही ये स्टेयर्स हैं नीचे से और ये सामने से आता है वी आई पी, ये सामने का स्टे एरिया है और इधर इन्होंने कुछ इस तरीके से पौधे वगैरह भी रखे हुए हैं। ये पार्किंग है ये देखो, ये मॉडर्न भिखारी है। मैंने आते ही सबसे पहले कर लिया है चेंज, गाउन पहन लिया क्योंकि इतने दिन से वही सब टाइट टाइट कपड़े पहन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। बस अभी नहाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं बालों में करूँगी ऑयलिंग, रेस्ट लूँगी थोड़ी देर और उसके बाद अच्छे से नहाने वाली हूँ मैं। तो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, सभी बच्चे अपने अपने रूम में रिलैक्स ही कर रहे होंगे। होम साइन काल का सभी को। और अभी हो चुकी है आज 15 हो गई नहीं 16, आज हो चुकी है 16 तारीख और हम लोग बस रेडी हो चुके हैं, सबका रेस्ट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं नीचे मार्केट घूमने कटरा में। और कल सुबह हम लोग करेंगे यहाँ से चढ़ाई और फिर उसके बाद होगी दिल्ली वापसी। अभी बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, बच्चों का मन है कि माँ हमारे साथ चले घूमने के लिए, तो बस हम जा रहे हैं। तो चलिए मार्केट घुमाते हैं आप लोगों को। हाँ, सामने सही हो गया, बाबा सही कर दिया। मार्केट में सब लोग अपने अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। हमारी वैष्णवी भी हम लोगों से नाराज़ और हम लोगों ने वैष्णवी के लिए बहुत सारे टॉय लिए हैं, बच्चों ने माँ की पिंडियाँ ली हैं यहाँ से और काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, प्रसाद हम सब ने लिया है। वैसे तो हम सब पहले भी आप लोगों को यहाँ की मार्केट वगैरह घुमा चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी बार काफ़ी टाइम बाद आई तो मैंने सोचा आप लोगों को दोबारा से मार्केट घुमाते हैं, मिलवाते हैं और देखिए कौन क्या क्या खरीद के लाया है। बात देखा बच्चों ने अपने घर के अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबने शॉपिंग की और अब हम सब वापस जा रहे हैं होटल। सबको लगी है भूख, खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम सबको जाना है चढ़ाई के लिए और मम्मी के रास्ते में आपसे बातें करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए आप लोगों को मार्केट कैसी लगी मुझे बताइए। हेलो मैम, हेलो मैम, आप यहाँ कैसे? ऐसे। आप लोगों ने क्या क्या लिया है? हमने वैष्णवी के लिए गिफ्ट लिए, अपने घर के लिए गिफ्ट लिए और वैष्णो मम्मी। भैया आपका मुंह काला क्यों हो रखा है? अमरनाथ गए थे, बाबा ने वहाँ से मुंह काला करा के आए हैं। बाबा ने मुंह काला करा। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हो, आपने क्या लिया है? मैंने भी सेम लिया, अपने बेटे के लिए। हाँ, घर के लिए लिया है। अच्छा, आपका मुंह काला क्यों नहीं हुआ है? मैंने अच्छा दोबारा से दोबारा ये तूने क्यों लिया और क्या सोच के लिया?
वाले घर में। जय माता दी। जय माता दी। काल का सुबह सुबह की सुप्रभात आप सभी को। हम लोग जा रहे हैं माँ माई की यात्रा के लिए और आज शायद तारीख 17 होगी। 17 है ना आज तारीख? हाँ 17 है। आज हम लोग जा रहे हैं। हमें निकलना था सुबह 5:30 बजे लेकिन सब लोग नहीं हो पाए, रेडी नहीं हो पाए, तो अभी 7 बज चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वापसी कब तक होगी, क्योंकि वापसी के तुरंत बाद हम लोगों को दिल्ली के लिए निकलना है। अभी तो पहले आप लोगों को यात्रा कराते हैं। यात्रा से पहले हम लोगों को कार्ड वगैरह भी बनवाने हैं, तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। अभी बच्चे आ रहे हैं पीछे, हम लोगों के आरएफटी कार्ड मिल चुके हैं और सभी बच्चे यात्रा करने को तैयार हैं। कुछ लोग नंगे पैर जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े से जाएंगे, कुछ लोग पालकी से जाएंगे, मतलब कंफर्टेबल जिसको जैसा रहेगा वैसे जाएंगे, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी थके हुए हैं, सबकी तबीयत वगैरह भी ऐसी ही चल रही है। बस माँ भगवती दर्शन दे दे सबको अच्छे से और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली। बाबू जय माता दी बोलो सारे। कोई चप्पल में जा रहा है, कोई नंगे पैर जा रहा है, चप्पल अच्छे से दिखा, कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई जानबूझ के जूते में से जुराब निकाल चुका है, उसके बाद जूते भी निकालने की तैयारी में है। देखते हैं अभी कैसे बुलाती है माँ भगवती। मुझे इसलिए हंसी आ रही है वो, मैं कुछ भी करती सब उल्टा। ये बढ़िया था, ये बात तो सही। मम्मी से पूछे उल्टी तो नहीं पैदा हुई थी? जाते ही पूछेंगे है ना कि भैया सोनिया उल्टी तो नहीं पैदा हुई थी? हम लोगों ने ऑटो कर लिया है पाठगंगा के लिए, वहां से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बाकी बच्चे पीछे आ रहे हैं और मौसम गर्मी हो चुकी है, बहुत ज्यादा चिपचिपी। 5:30 बजे निकल लेते तो ज्यादा ठीक था, बट 21 लोगों को रेडी होने में टाइम तो लगता ही है। और मैंने बोला था 5:30, अगर मैं 3:30 बोलती तो 5:30 बजे तक पक्का रेडी होते। गलती मेरी है, मतलब किसी और की गलती नहीं है। अभी पहले हम चलते हैं पाठगंगा, उसके बाद आगे की यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। और मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, यानी 1 साल हो चुका है। तो आज के दिन हम ट्रेन में बैठे थे, आज को 17 अप्रैल है, 17 जुलाई तो हम लोग आ रहे थे। हाँ आ रहे थे। हाँ तो मैं 1 साल बाद आई हूँ, अभी तक ऐसा कुछ खास चेंज हुआ नहीं है यहाँ पे कुछ, बट आगे जाकर के देखते हैं अब क्या है। वो तो पिछले साल ही बनने लगे थे। हाँ ये चेंज हुआ, अब आधार कार्ड लिया इन्होंने। हाँ आधार कार्ड लिया इन्होंने। क्या हुआ, वापस क्यों आ गया? तो